समुचित सुविधा हमें उपलब्ध कराई जाए और हमारे प्रतिनिधियों की सुरक्षा हो। आए दिन हमारे प्रतिनिधियों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है, हत्या की साजिश रची जा रही है, कोई पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग व्याकुल हैं, हम लोग तंग तबाह परेशान हैं। राजधानी के पंचायत परिषद में बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने सरकार से समस्याओं का समाधान करने की मांग की। वहीं संघ की ओर से पंच सरपंच की सुरक्षा विधायकों के समकक्ष करने तथा भत्ता और कई सुविधाओं की मांग की। इस कार्यकारिणी की अति महत्वपूर्ण महाबैठक आज आहूत की गई है, जिसमें हमारे 33 जिला के माननीय जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी सारे लोग उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम राज्य सरकार के गाइडलाइन दिशा निर्देश के आलोक में हम कर रहे हैं। परमिशन इसके लिए हमने पहले लिया है। आज के बैठक में 7 महत्वपूर्ण बिंदु उभर के सामने आए हैं। एक, प्रदेश पदाधिकारियों का मनोनयन जो किया जा रहा है, ये कमेटी 151 सदस्यीय होगी, जम्बू जेट कमेटी होगी, जो सरकार को हमारी अवहेलना करने का, हमें उपेक्षित रखने का, मेरे साथ सौतेलापन व्यवहार करने का आवश्यकता पड़ी तो दंड भी दे सके। 25,00,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह संगठन है, इसके लिए प्रदेश के पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। दूसरा, स्थानीय निकाय बिहार विधान परिषद में पंच सरपंच उप सरपंच को जो उपेक्षित रखा गया है, उसके तहत हम मतदाता बनने की मांग कर रहे हैं कि हमें भी लोकतांत्रिक पद्धति के तहत हमें भी मतदाता, हम भी चूंकि जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार होता है, इसलिए मुझे भी मतदाता बनाया जाए। तीसरा, हमें जो मानदेय मिल रहे हैं, मानदेय विशेष नियत भत्ता, ये अपमानजनक है। माननीय विधायकगण, वेतन भत्ता पेंशन लेना त्यागे, ये जनता की कमाई है। मैं भी अपमानजनक मानदेय नहीं लूंगा, अगर देना है तो जनसंख्या के आधार पर। हमारा एक सरपंच का मानदेय उस आधार से अगर जोड़ेंगे विधायक की तरह तो 21,000 महीना आता है, और अभी कितना मिल वो भुगतान अभी तो मिलता है मात्र 500 रुपया महीना हमारे पंच को, 500 पंच को, 1200 उप सरपंच को और सरपंच को 2500 महावार, जबकि हम 365 दिन 24 घंटा के जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि हम माननीय न्यायालयों का बोझ कम किए हैं, तो फिर मेरी उपेक्षा क्यों। तीसरी, विकासात्मक कार्यों में हमारी सहभागिता और एलओसी प्रदान करने का अधिकार मिले। ग्राम कचहरी चूंकि न्यायालय है तो न्यायालय के देखरेख में अगर विकासात्मक कार्य होंगे तो जनहित के लिए अच्छा कार्य होगा, इसलिए हमारा यह भी एक मांग है। चौथा, ग्राम कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों की दशा दिशा सरकार तय करे। सरकार क्या चाहती है, अगर चाहती है सरकार कि सौतेलापन व्यवहार करे तो ग्राम कचहरी नामक संस्था को बंद कर, और अगर है तो समुचित सुविधा हमें उपलब्ध कराई जाए और हमारे प्रतिनिधियों की सुरक्षा हो। आए दिन हमारे प्रतिनिधियों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है, हत्या की साजिश रची जा रही है, कोई पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग व्याकुल हैं, हम लोग तंग तबाह परेशान हैं। और छठा है, ग्राम रक्षा दल, चौकीदार, आदेशपाल, भूमापक अमीन, ये सबों का अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रतिनियुक्ति सभी ग्राम कचहरियों में कराई